जिंदगी देखो, खुद BMW और बॉडी और हर जगह घूमता है, मेरे लिए मुझे भिखारी बना दिया, रास्ते पे ला दिया, बाल भी गिर गए मेरे। मुझे लूट लिया आदिल, आदिल तुमने मुझे लूट लिया, आदिल आदिल तुमने मुझे भिखारी बना दिया, आदिल तुमने मुझे लूट लिया आदिल। दोस्तों, राखी सावंत एक के बाद एक बिग ब्रेकिंग देती जा रही है। पहले राखी सावंत और फातिमा का कहना था कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अकेली ही शेरनी हूँ, और फिर बाद में कहने लगी कि मैं अपने सारे दुश्मनों का खातिमा कर दूंगी क्योंकि मेरा नाम फातिमा है। और अब वो बिकारन बनकर रोना धोना स्टार्ट कर दिया है और आदिल के खिलाफ इतना कुछ बोली जा रही है और आदिल को ब्लेम कर रही है अपनी इस हालत का। राखी का कहना है, आदिल तुम इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो और मैं देखो ऑटो रिक्शा पर आ गई हूँ और मेरे बाल भी बिखर गए हैं और मेरे बालों का कुछ नहीं रहा। राखी और फातिमा का कहना है कि आदिल के प्यार के दुख और गम में मेरे सारे बाल उतरना शुरू हो गए और इसी बालों के गम में मैंने अपने सारे बाल कटवा दिए, अब मैं सड़क पर आ गई हूँ, आदिल को चाहिए कि मुझ पर तरस खाए और मेरे साथ वापस आ जाए। राखी का ये एक्ट उसके फैंस को इंटरटेन तो कर रहा है लेकिन राखी अपने अंदर ही अंदर में कितने दुख लेकर बैठी हुई है। गाइज, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि राखी ऐसा क्यों कर रही है, राखी के ऐसा करने के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और ये करने की वजह क्या है। पहले उसने ड्रामा रचाया कि वो सर से लेकर पाँव तक अबाया पहनेगी और किसी मर्द को हाथ नहीं लगने देगी, लेकिन अब वो खुद ही अपने बाल नंगे छोड़कर और इस तरह की हरकतें कर रही है। ये हरकतें करने की इसकी क्या वजह हो सकती है और इसका अंदरूनी क्या मामला हो सकता है, क्या ये इसकी चाल है या फिर सच में ये वाकई दुखी है और रोने धोने स्टार्ट कर दिए हैं। राखी का ये दुख वाकई में सच है या फिर झूठ है या फिर इसकी नौटंकियाँ या ड्रामेबाजियाँ हैं। लाइक करके बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।